नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं गांव बुढ़ेना की गलियों में। आज पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल, वो आज बुढ़ेना में प्रवास कर रहे हैं। पूरे 24 घंटे गांव बुढ़ेना में बिताएंगे, यहां की समस्याओं को समझेंगे, यहां लोगों के साथ बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो योजनाएँ मोदी जी के माध्यम से, मोदी सरकार की जो योजनाएँ आम जन तक पहुँच रही हैं, उन पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उनको लोगों को कैसा महसूस हो रहा है उनके बारे में। और फिलहाल हम लोग हैं बुढ़ेना गांव की आंगनवाड़ी में और यहाँ मौजूद हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, साथ में नरेश नंबरदार हैं, पार्षद हैं, निवर्तमान पार्षद हैं और आप देख सकते हैं। आपको टिकट तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, हमारी दिल से दुआ। काम करते रहे मैं और ये दीदी, हमको कभी भी किसी कोई सरकार ने नहीं, किसी नेता ने, किसी ने कोई 10 रुपए की चीज नहीं दी। यात्रा भी वो हम अपना मान सम्मान, सम्मान की तो क्या बात होती है, सम्मान नहीं बोल रही मैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए और हमारे हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं अगली बार आपको जरूर से जरूर टिकट मिले। बिल्कुल कम्बल कोई भी रखेंगे पहनों का ना, सबका बढ़िया साड़ी वाड़ी पहना के मान सम्मान रखेंगे सभी सभी लोगों से बात चल रही थी आपके पास में। मोदी सरकार तो आया है लेकिन उसके साथ साथ आप भी आप हमारी मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से टिकट हमारे लिए जरूर। मंत्री जी आएंगे पार्टी टिकट रहेगी, ऐसा नहीं है, और इस क्षेत्र का विकास भी होगा, विकास बहुत तेज गति से होगा। आप सब पहलों की जो भी चीजें वो सब पूरी होगी, मांगे भी गाँव का भी होगा। माननीय मंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरा क्षेत्र क्या पूरा फरीदाबाद यहाँ बॉर्डर से मतलब बॉर्डर से लेकर और कोसी बॉर्डर तक हर व्यक्ति की आवाज़ है कि माननीय विपुल गोयल जी सत्ता में आने चाहिए, उनको परेश मतलब है सेवा का मौका मिलना चाहिए, डेफिनेटली आएंगे। नहीं जितना गरीब तबके को या किसी को भी जो मान सम्मान दिया सर ने, इतना किसी ने नहीं दिया। हम तो यही चाहते हैं सब लोगों को, यही है कि जो जो हम तो लोगों में जाते हैं वो क्या है, लोगों में उनका यही है जी। बिल्कुल आप बहुत जानिए हमारे क्षेत्र का तो आपसे मतलब है, वो तो सब लोग चाहते हैं कि गोल्ड दिया चाहिए और तभी हमारा आगे मान सम्मान बढ़े और हम उनको चाहते अपने क्षेत्र। आज पूरे 24 घंटे गांव बुढ़ेना में प्रवास करेंगे, बात करेंगे उनसे। तो आज सुबह से नाश्ता यहीं हो रहा है, दोपहर का भोजन यहीं हो रहा है विपुल जी, तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है, जो लाभार्थी हैं सरकारी योजनाओं के उनसे बातचीत हो रही है। और क्या क्या योजनाएं रहेंगी अब पूरे दिन में? देखिए आज पूरे दिन के अंदर जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे मिलना, गाँव के मंदिर के अंदर जाना, आंगनबाड़ी अपने और जितने भी जो आशा वर्कर्स हैं उन सबसे मिलना, और जितने भी जो गांव के मौजूद आदमी हैं, बुज़ुर्ग आदमी की वोटर्स हैं और नए वोटर हैं उनसे मिलना, गांव के अंदर स्कूल में जाने का कार्यक्रम था सरकारी स्कूल में हम लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से एक वृद्ध योजना है कि सभी लोगों से संपर्क हो और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं का लाभ उन तक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो लाभान्वित लोग हैं उनमें किस तरीके की प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए आज पूरे देश के अंदर गांव चलो अभियान चलाया गया। और मोदी जी ने कहा है कि जब गांव विकसित होगा, गांव की तरक्की होगी जब भारत विकसित होगा, तो उसके तहत हम सब लोग आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव के अंदर प्रवास कर रहे हैं।
तो पूर्व फौजियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, उन सब के साथ भी संवाद रहेगा? पूर्व फौजियों को सम्मान करने का काम, पूर्व खिलाड़ियों को जो प्रेजेंट खिलाड़ी हैं, सभी लोगों से मैंने कहा ना, गांव के जो भी मौजूद, क्योंकि वोटर या गांव के जो मौजूद लोग हैं, जिनका गांव में सम्मान है, मान है, जिनकी बातों को लोग सुनते समझते हैं, या जो लोग कहते हैं ना पूरी गाँव का एक माउथ पीस है, कि उनको, उन सबके यहाँ जाने का काम आज हम लोग करेंगे। और कल सुबह 10 बजे तक गांव से ही, गांव में प्रवास करके सुबह सब लोगों से मिलके गांव में नाश्ता करके फिर रात को सोएंगे भी आज विपुल। बिल्कुल बिल्कुल, गांव के अंदर ही सोएंगे। आप आइएगा, साथ में शाम को बैठ के गपशप होगी और वहीं पर ही हम लोग सोने, चौपाल पर चर्चा भी रहेगी, चौपाल पर चर्चा। तो आप फरीदाबाद देख सकते हैं, आज पूरे दिन का कार्यक्रम है यहाँ इसी गाँव में। बात करेंगे, यहाँ महिलाएं हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे। तो कैसा रहा आज, विपुल गोयल यहीं हैं, तो क्या बातचीत हुई उनके साथ? क्या नाम आपका? माया जी। माया, माया जी, क्या बातचीत हुई आज? पूरे दिन गांव में ही हैं और ख़ासतौर से आंगनवाड़ी वाले जो वर्कर हैं उनके साथ मिलने के लिए आए पूर्व मंत्री जी। उन्होंने हमारा हालचाल पूछा और पूछा भाई कैसे गाँव में, कैसे आंगनवाड़ियाँ चल रही हैं, क्या क्या सुविधाएँ मिल रही हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, इसी बात पर चर्चा है। तो बताइए, आपने कुछ समस्या? बिल्कुल बताई, हमने बताई जी, मोदी जी ने जो स्कीम चला रखी है, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जो भी स्कीम है, हमने लाभ, जैसे किसी को लाभ दिलाना है, गर्भवती को पैसे दिलाने हैं या उनकी जांच करवानी है, टीकाकरण, सबके बारे में हमने बताया। ठीक चल रही है गांव में योजना? बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं जी, हम चाहते हैं कि मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मंत्री जी को टिकट दी जाए, विपुल गोयल जी को टिकट दी जाए, विपुल गोयल जी को। जी, आपसे बात करेंगे, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मीनू है। मीनू जी, जी मीनू जी, आप भी यहीं आंगनवाड़ी देखते हैं? जी जी जी। क्या समस्याएं बताई विपुल जी को? समस्याएं तो एक्चुअली समस्याएं तो कुछ भी नहीं है वैसे तो। मोदी जी ने कई सारी स्कीमें चला रखी हैं, PMY के तहत लाभार्थियों को पेमेंट दिलाते हैं PM मोदी जी, और अभी ये लाडली का, आपकी बेटी हमारी बेटी के थ्रू 1 से 18 साल तक की लड़कियों को, बच्चियों को भी पैसे दिलाए जाते हैं, बॉन्ड आते हैं उनके, और बहुत सारी स्कीमें हैं। अब तो सेकंड प्रेगनेंसी के भी आते हैं, बच्चे की सेकंड प्रेगनेंसी के भी हम फॉर्म भरते हैं PMY के, पहले नहीं था ये, अब मोदी जी ने अब ये स्कीम चलाई है, इससे पूरी जनता बहुत खुश है इस चीज़ से, और आगे भी हम तो चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार आए और विपुल, हमारे कैबिनेट मंत्री जो पूर्व रह चुके हैं, उनको टिकट दी जाए, और हम तो यही कहते हैं बस। तो कौन सी, सांसद की के विधायक की? विधायक की। विधायक की जी। तो फरीदाबाद हम लोग यहाँ हैं, गांव बुढ़ेना में हैं, आपको लेकर चलेंगे, और लोग हैं यहाँ, आप भी जा रहे हो, वहीं जा रहे हो, कार्यक्रम में जा रहे हो, तो आपको दिखाएंगे, लेकर चलेंगे आज गांव में, गांव बुढ़ेना में बहुत सारे कार्यक्रम जी। गांव बुढ़ेना की गलियां हैं और उन्हीं गलियों से हम लोग गुजर रहे हैं, उन्हीं गलियों में, उन्हीं इलाकों में लगातार आज 24 घंटे गांव बुढ़ेना में, और बहुत सारे, पूरी एक लिस्ट है सुबह से शाम तक की, यहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से जो भाजपा कार्यकर्ताओं को जो एक वर्क टू डू भेजा गया है, उसके तहत, उसके माध्यम से लगातार गांव बुढ़ेना की गलियों में हैं हम लोग, और वहीं से लाइव हैं आपके साथ फरीदाबाद, और आपको दिखा रहे हैं कि आज इस गांव में, और ये गांव बुढ़ेना का बड़ नीचे, बड़ के नीचे जी, जी हैं, ये कौन सा चौराहा है? ये बड़ के नीचे चौक है जी, बड़ के नीचे चौक, ये इसी नाम से लोग जानते हैं, बड़ के नीचे, हाँ, बड़ा बड़ा है उसका चौक, बड़ा बड़ा पॉइंट है, बड़ा कलेक्शन पॉइंट है, किसी को मिलना हो तो के बड़ के नीचे आ जाइयो, और उस तरह का मामला फरीदाबाद, ये देखें आप गांव बुढ़ेना, और आज इसी गांव की गली गली में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल गोयल, आज इसी गांव में 24 घंटे अपने बिताएंगे,
और यहीं लोगों के सुख दुख को साझा करेंगे, जानेंगे कि जो योजनाएं दिल्ली से चलती हैं वो यहाँ गांव तक पहुँच पाती हैं या नहीं, और उसी पर चर्चा करेंगे। रात को भी जब चौपाल पर चर्चा होगी तब आपके साथ दिखाएंगे हम। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।